आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल को, जिसकी स्टेटमेंट है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्स द साइड ऑपोजिट टू इट, द ट्राइंगल इज आइसोसेलस। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है। गिवन में हमें कहा गया है कि ट्राइंगल ए बी सी में लाइन सेगमेंट ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है और लाइन सेगमेंट बी डी लाइन सेगमेंट सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ हमें ये करना है कि लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि लाइन सेगमेंट ए डी को पॉइंट ई तक प्रोड्यूस कीजिए, लाइन सेगमेंट ई डी और लाइन सेगमेंट ए डी को कॉन्ग्रुएंट लीजिए, आखिर में पॉइंट सी को पॉइंट ई के साथ ज्वाइन कर दीजिए। अब हम इस एग्जाम्पल के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले कहा गया है कि ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ई डी सी में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। लाइन सेगमेंट ए डी लाइन सेगमेंट ई डी के कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमें कंस्ट्रक्शन में कहा गया है। एंगल ए डी बी और एंगल ई डी सी कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। लाइन सेगमेंट बी डी लाइन सेगमेंट सी डी के कॉन्ग्रुएंट है और ये बात हमें गिवन में कही गई है। ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल ई डी सी के कॉन्ग्रुएंट है, लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट ई सी के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल बी ए डी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है और ये बात भी हमें गिवन में कही गई है। एंगल ई एंगल सी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए सी ई में लाइन सेगमेंट ए सी और लाइन सेगमेंट ई सी कॉन्ग्रुएंट है, जिसकी वजह से ये बात प्रूफ हो जाती है कि लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।